क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यूज के सवाल पहले से ही तय होते हैं? क्या स्क्रिप्ट पहले से ही तय की जाती है? क्योंकि न्यूज नेशन के इस इंटरव्यू में पहली बार प्रमाण सामने उभर कर आए हैं। हम आपको सुना रहे हैं इस इंटरव्यू का एक छोटा सा अंश। सवाल को गौर से सुनिएगा। मैं कभी नरेंद्र मोदी से जानना चाहता हूं कि क्या आपने पिछले 5 सालों में कुछ लिखा है? तो सुना आपने, अब हम आपके सामने इस इंटरव्यू के एक फ्रेम को फ्रीज कर रहे हैं। जो सवाल पत्रकार ने पूछा था, अब आप उसी सवाल को इस पन्ने में पढ़ सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने है। और वो सवाल क्या है दोस्तों आपके सामने? चलते चलते मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने कुछ लिखा है क्या? जी हां नरेंद्र मोदी जी, स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज देने से फायदा क्या? आइए कभी मुझे भी इंटरव्यू दीजिए, आइए कभी न्यूज क्लिक के स्टूडियो में, आइए कभी मेरी हवेली में। तो दोस्तों, इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, सिर्फ 10 दिन रह गए हैं और 10 दिन में तय हो जाएगा कि आएगा मोदी या जाएगा मोदी। मगर उससे भी बड़ा और गंभीर सवाल, क्या देश मोदी 2.0 के लिए तैयार है? क्या देश उसकी कीमत चुका सकता है? दोस्तों, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल क्या काम किया उस पर अपना ये प्रोग्राम नहीं कर रहा हूं। मैं आपके सामने प्रधानमंत्री ने पिछले 5 साल क्या काम किया उस आधार पर मोदी की व्याख्या नहीं करना चाहूंगा, उनका एनालिसिस नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ आपके सामने पिछले 1 हफ्ते में उन्होंने क्या क्या कहा उस आधार पर मोदी 2.0 क्या होगा वो रखना चाहूंगा। सबसे पहले सुनिए उन्होंने इंटरव्यू में दरअसल बालाकोट हमलों के बारे में कहा क्या। मोदी जी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मौसम बहुत अच्छा नहीं था, एक ख्याल विशेषज्ञों के दिमाग में आ गया था कि हमले के दिन को बदल दिया जाए, मगर मैंने कहा कि बादलों के जरिए हमारे विमान पाकिस्तानी रडार से बच जाएंगे। वो क्या गाना था? बादलों में छुप रहा है प्लेन क्यों, पाकिस्तान के किसी रडार से पूछ लो, दुश्मन दिख रहा है इतना सैड क्यों, मोदी जी की एक अदा से पूछ लो। दोस्तों यकीन मानिए, मेरा गाना आपको जितना भी बेसुरा लगा होगा, मगर मेरा गाना प्रधानमंत्री के साइंटिफिक टेम्परमेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। और हम आपको स्पष्ट कर दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो मिलिट्री रेडार्स होते हैं ना, उन्हें कोई असर नहीं पड़ता कि बादल हैं या नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि रक्षा मामलों के संवाददाता NDTV के विष्णु सोम ने इसके जवाब में क्या लिखा है। विष्णु लिखते हैं, मोदी जी बादलों से कोई असर नहीं पड़ता, मगर उससे 6 क्रिस्टल मेज मिसाइल पर जरूर असर पड़ा था, जिसे भारतीय वायुसेना बालाकोट हमलों के दिन लॉन्च नहीं कर सके। इसका मकसद था वो फुटेज प्रसारित करना जिससे साबित हो जाता कि भारत के हवाई हमलों से जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को नुकसान पहुंचा या नहीं। शायद यही वजह थी कि वे इसे मुलतवी करने का प्रयास कर रहे थे, और सही भी थे। इतनी जल्दबाजी क्यों मोदी जी? क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि मिसाइल निशाने पर लगे या नहीं। तो सवाल यह कि क्या बॉम्ब्स निशाने पर इसलिए नहीं लगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नहीं साहब आप हमला कर दीजिए, और उन्होंने सेना या इंडियन एयरफोर्स की सुनी तक नहीं। प्रधानमंत्री का यह बयान बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। दोस्तों मुझे यह ताज्जुब नहीं कि प्रधानमंत्री का यह बयान कितना अनसाइंटिफिक है, मुझे ताज्जुब इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सबके दिलों की पसंद हैं। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि ये वो देश है जिसके वैज्ञानिकों ने नासा में जाकर झंडे गाड़े हैं। और जानते हैं, मुझे ताज्जुब इस बात का भी है कि उनके सामने जो 2 पत्रकार बैठे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री से काउंटर क्वेश्चन भी नहीं किया। और दोस्तों इसका असर यह हुआ
कि प्रधानमंत्री के इस बयान को, जो इनकी इतनी आलोचना हुई, इतनी जगहसाई हुई, भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम ट्विटर हैंडल्स ने उसे तुरंत डिलीट कर दिया। अरे भैया, डिलीट करने से क्या होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिशियल हैंडल है ट्विटर पर, उस पर यह बयान बखूबी बना हुआ है, तो आप काहे डिलीट कर रहे हैं इसे। और दोस्तों, यही नहीं, इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने एक और बात कही है। वो ये कहते हैं कि 1987-88 में, यानी कि 87 में, उन्होंने एक डिजिटल कैमरे पर तस्वीर ली और फिर उसे ईमेल के जरिए अहमदाबाद से कहां भेजा, दिल्ली भेजा, और अगले दिन ये तस्वीर जो है वो कलर में सामने आ गई। सुनिए वो बयान। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की। अब यहां पर दो तीन मुद्दे हैं दोस्तों। विकिपीडिया के मुताबिक 1986 में जापानीज कंपनी निकॉन ने इंट्रोड्यूस किया था पहला डिजिटल लेंस रिफ्लेक्स, DSLR। जी हां, मगर उपभोक्ताओं तक यह पहुंचा 90 के दशक में। DSLR कैमरास बिकेम कॉमन अमंग कंज्यूमर्स बाय मिड 2000s। DSLR कैमरास हैड लार्जली रिप्लेस्ड फिल्म कैमरास, यानी कि लोगों के हाथों में कैमरा पहुंचा 1990s में जाकर। मगर अगर हम मोदी जी की माने तो इनके पास ये कैमरा 1987 में था। यही नहीं, प्रधानमंत्री ईमेल भी भेज रहे थे 1987 में, जबकि पहला ईमेल भारत में शायद गया होगा 1995 के आसपास। मुझे तो लगता है कि एवेंजर्स का जो ये थानोस है ना, इनके पास एक इन्फिनिटी स्टोन है, टाइम इन्फिनिटी स्टोन, जिसके जरिए आप समय में पीछे जा सकते हैं या समय को काबू में रख सकते हैं। ऐसा लगता है कि मोदी जी के पास भी यही इन्फिनिटी स्टोन है। और यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री ने इस तरह के अवैज्ञानिक बयान दिए हैं। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री ने एक भरे मंच में कहा था कि गणेश जी वो पहली मिसाल थे जिन पर प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। सुनिए। अब हम प्लास्टिक सर्जरी को देखें। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, आप और हम सब धार्मिक हैं, मैं भी धार्मिक हूं, मैं तो खुद को शिव भक्त कहता हूं, यानी कि गणेश जी के जो पापा हैं। सवाल वो नहीं है, गणेश जी प्रतीक हैं, प्रतीक हैं, वो दास्तान जो आज से कई लाखों साल पहले थी वो उसके प्रतीक हैं। सवाल यहां पर ये कि क्या हम उसे एक वैज्ञानिक सच मानकर गणेश जी के साथ क्या हुआ था उसे एक प्रधानमंत्री पेश कर सकता है सिर्फ लोकप्रियता के लिए। अब सुनिए क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या कह रहे हैं। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है, इसलिए उनको सर्दी ज्यादा महसूस होती है। तो परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं, भाई ये पिछली बार इतनी सर्दी नहीं थी, इस बार सर्दी ज्यादा हो गई। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए। दोस्तों, ये बयान अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद हो जाता है जब आप क्लाइमेट चेंज जैसे गंभीर संकट को ही नजरअंदाज कर देते हैं। और दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री की यह निहायत ही अनसाइंटिफिक सोच, ऐसे कुतर की सोच की लंबी चौड़ी सेना बन गई है। उनके तमाम भक्त जो उनकी वाहवाही करते हैं, और उनके तमाम नुमाइंदे जिन्हें चुनकर हम संसद में भेज रहे हैं। आज मैं आपके सामने तीन मिसालें पेश कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले सुनिए आप इनको। नाम है इनका रमेश बिधोड़ी, दक्षिण दिल्ली से सांसद हैं, फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सनी देओल क्यों हैं देशभक्त, यानी कि हकीकत और फिल्मों में कोई फर्क ही नहीं रहा। राष्ट्रवाद का चुनाव है और सनी से बेटर राष्ट्रवादी कौन हो सकता है, जो हैंडपंप तक को भी उखाड़ के अपनी बाजुओं से और पाकिस्तान को उसकी औकात बता दे। अब सुनिए इन महाशय को। ये आजमगढ़ से चुनौती दे रहे हैं अखिलेश यादव को। नाम है भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार निरहुआ। ये तो खुद को भगवान से भी ऊंचा समझते हैं। सुनिए क्या कहा इन्होंने TV9 भारतवर्ष को दिए गए एक इंटरव्यू में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्वतंत्र आदमी हूं
मेरी विचारधारा स्वतंत्र है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। स्वतंत्र भाव नर का अदम्य, वह जो चाहे कर सकता है, शासन की क्या बिसात पांव विधि के लिपि पे धर सकता है। मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूं, मिटा सकता हूं, अगर मैं अपनी सोच रखता हूं, विचार रखता हूं। मैं यहां किसी के पीछे घूमने वाला व्यक्ति नहीं हूं। और अब सुनिए इन महाशय को, नेहरू से इस कदर नफरत है, और ये रतलाम से बीजेपी के नुमाइंदे हैं लोकसभा चुनाव में, नेहरू से इस कदर नफरत है कि इन्होंने जिन्ना को मसीहा बना दिया। बता दो कि आजादी के समय अगर जवाहरलाल नेहरू जीत नहीं करते तो इस देश के दो टुकड़े नहीं होते। मोहम्मद जिन्ना एक एडवोकेट, एक विद्वान व्यक्ति, अगर उस समय निर्णय लिया होता कि हमारा प्रधानमंत्री मोहम्मद जिन्ना बनेगा तो इस देश के टुकड़े नहीं होते। अगर इस देश के टुकड़े के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। तो दोस्तों, इसी तरह की कुतर्की सोच बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से उभर कर आती रहती है, और ये जो अनसाइंटिफिक चीजें उभर कर आ रही हैं, मैं आपके सामने अपनी ये चार या पांच बातें रखना चाहता हूं। बात नंबर एक, भारत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण का खात्मा। बात नंबर दो, सार्वजनिक मंचों पर भारत की जगहसाई। जब भारत के बड़े बड़े नेता इस तरह की बातें कहेंगे तो भारत की अस्मिता का क्या होगा। पॉइंट नंबर तीन, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़, वो भी सियासी कारणों के लिए। जब आप ये मजाक बनाएंगे मिलिट्री रडार का बादलों में छुपाने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर, हमारे राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर इसका क्या असर पड़ेगा। तथ्य नंबर चार, तर्कहीन देश, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी हां, ये देश जहां अब लॉजिक नाम की कोई चीज नहीं होगी, जहां रमेश बिधुड़ी सनी देओल को इसलिए देशभक्त मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी एक फिल्म में पाकिस्तान में जाकर एक पंप उखाड़कर पाकिस्तानियों की पिटाई कर दी थी। और पॉइंट नंबर पांच, रूढ़िवाद और सक्रिय सोच। ये देश हमेशा से ही रूढ़िवाद और सक्रिय सोच से खुद को दूर रखने में कामयाब रहा है, और यही वजह है कि हमने सदियों में इतनी बड़ी छलांग लगाई है। हमें चुनौतियां मिलती रही हैं मगर इसे हमने पार किया है। अब इस पर आधिकारिक अमली जामा पहनाया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा दुखद बात है। अपनी एक रैली में प्रधानमंत्री ने एक और बयान दिया जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, वो ये कहते हैं कि आज सुबह पता चला कि कश्मीर में कुछ आतंकवादियों को हमारी सेना ने मार गिराया। अब कुछ लोगों को यह परेशानी है कि आज जब मतदान चल रहा है तब मोदी ने आतंकवादियों को मारा। मोदी ने आतंकवादियों को क्यों मारा? सवाल ये कि क्या मोदी ने मारा या सेना ने मारा? और अगर मोदी ने मारा, और अगर आप इसका श्रेय लेना चाहते हैं मोदी जी, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पुलवामा में जो मेरे 40 भाई शहीद हुए थे, क्या उसका भी आप श्रेय लेना चाहेंगे? अब से कुछ दिनों पहले नक्सलियों ने जिस तरह से हमारे 16 जवानों को गढ़चिरौली में मौत के घाट उतार दिया था, क्या उसका भी आप श्रेय लेना चाहेंगे? कहीं ना कहीं इस बयान के जरिए वो सेना के पराक्रम की तौहीन कर रहे हैं। मोदी और सेना के बीच में, या कहा जाए मोदी की सेना बताने की कोशिश कर रहे हैं, और अब मोदी जी ने खुद ये बात कह दी और बार बार कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, वो तो ये तमाम बातें कह रहे हैं। अब मोदी जी भी अपने मुंह से तमाम बातें लगातार आपके सामने रख रहे हैं। और हां, बीता हफ्ता वो हफ्ता भी था जब टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिवाइडर इन चीफ बताया, यानी कि वो शख्स जो विभाजन पैदा करता है, जो लोगों को बांटता है। अब दिलचस्प बात यह कि जैसी टाइम मैगजीन का यह अंक आया, संबित पात्रा सामने आ गए। पहले तो आप सुनिए वो कह क्या रहे हैं। आज इसी प्रकार का एक आर्टिकल हमने टाइम मैगजीन में देखा है। बंधुओं, उसका लेखक कौन है? उसका लेखक है एक पाकिस्तानी नागरिक। अब संबित पात्रा की माने तो आतिश तासीर, जो कि इसके लेखक हैं, वो एक पाकिस्तानी है। तो मैं स्पष्ट कर दूं संबित पात्रा जी, कि आतिश तासीर पाकिस्तानी नहीं है, वो पैदा हुए थे ब्रिटेन में। यही नहीं, वो पैदा हुए थे ब्रिटेन में और आप अमरीकी नागरिक हैं, तो आप कैसे उन्हें पाकिस्तानी बता रहे हैं? हां, उनके पिता जरूर पाकिस्तानी थे जिन्हें आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था, मगर उनकी मां आप जानते हैं कौन है? उनकी मां है तवलीन सिंह।
वो तवलीन सिंह जिन्होंने पिछले 5 साल मोदी भक्ति में लगा दिए। तो बताइए संबित जी, ऐसे में आतिश तासीर पाकिस्तानी हुए या अमरीकी हुए? और आज जो भारतीय जनता पार्टी रुदाली भर रही है कि आखिर एक विदेशी पत्रिका किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तौहीन कर रही है, तो मैं आपको बता दूं, आज से कई सालों पहले टाइम मैगजीन ने मनमोहन सिंह के बारे में कहा था कि वो अंडर अचीवर हैं। यही भारतीय जनता पार्टी उस वक्त टाइम मैगजीन के इस अंक पर सियासत कर रही थी। तो सवाल ये दोस्तों, क्या इस तरह के दोहरे मापदंड होने चाहिए? और जो लोग शीशों के घरों में रहते हैं, क्या उन्हें इस तरह से बातें करनी चाहिए? तो न्यूज चक्र में बस इतना ही। इसी तरह से हम पर्दों के पीछे जिन लोगों का खेल होता है उसे एक्सपोज करते रहेंगे, उसे आपके सामने लाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, और मेरी आप सबसे अपील कि इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक और शेयर करें, और न्यूज क्लिक के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।